यूपी का जनपद बुलंद शहर शुक्रवार को नमाज जुमा के बाद शांत रहा। बुलंद शहर के ऊपरकोट इलाके में जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से सभी नमाजी अपने अपने घरों की ओर रवाना हो गए। इस नमाज के बाद शांति बनी रहने पर जहां पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली, तो वहीं शांति बहाली में स्थानीय लोगों का भी खास रोल रहा। मस्जिद से निकलते नमाजी और चप्पे चप्पे पर तैनात जिस पुलिस फोर्स को आप देख रहे हैं, ये बुलंद शहर का वही ऊपरकोट इलाका का जहां पिछले शुक्रवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पथराव और फायरिंग हुई थी। सीएए के विरोध के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की जीप को फूंक डाला था, जबकि बवाल में पथराव फायरिंग और जमकर तोड़फोड़ हुई थी। हालातों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जहां जुमे की नमाज से पहले इंटरनेट सेवाओं को 36 घंटे के बंद करा दिया था, तो वहीं दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ जनपद भर में फोर्स को तैनात किया गया था। मगर गनीमत रही कि आज जुमे की नमाज के बाद यहां हालात बेहद शांत रहे और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। हालांकि एहतियातन चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगा रहा। थाने में बाकायदा पुलिस को एसपी सिटी अतुल श्रीवास्तव ने पथराव से बचाव की रिहर्सल भी कराई थी। इतना ही नहीं, नमाजियों को समझाने के लिए मस्जिद के बाहर स्थानीय समाज सेवियों और नेताओं को खड़ा किया हुआ था, ताकि विपरीत हालातों को काबू में किया जा सके। संवाददाता बुलंदशहर नौशाद मलिक। सभासद मुस्लिम जितने भी हैं 10-11 सब ने प्रशासन के सहयोग से और जनता के सहयोग से और अपने प्रयास से तमाम मस्जिदों में हमने जुमे की नमाज सबसे पहले पढ़ी और तमाम लोगों को जाकर हमने घर घर समझाया कि शांति व्यवस्था बनानी है। धारा 144 लगी हुई है, मुल्क में अमन और चैन कायम रहे, ये हम लोगों ने संदेश घर घर जाकर दिया। उसको हमारे लोगों ने सर माथे पर लिया और नमाज़ पढ़ने के बाद, जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद में सब लोग शांति से अपने अपने घर चले गए और बिल्कुल शांति बहुत ही बनी हुई है। जो पिछले जुमे में घटना घट गई थी, वो कुछ बाहरी लोग आ गए थे ग्रामीण से, उन लोगों ने यहाँ ऊपर कोर्ट को बदनाम कर दिया और एक कलंक लगा दिया बुलंदशहर के ऊपर, जो आज तक बुलंदशहर के ऊपर कोई कलंक नहीं था। जनपद भर में शांतिपूर्ण सर, जुमे की नमाज पढ़ी गई है, बुलंदशहर में अमन चैन रहा है, किस तरह की, कितना डिप्लॉयड किया, किस तरह की कवायद प्रशासन ने की, क्या हालात हैं? देखिए, हालात सामान्य है। मैं सबसे पहले आप लोगों का एवं इस जनपद के जितने भी सामाजिक व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर आज की और आसपास जो कुछ दिन हैं उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने में बहुत सहयोग किया है। डिप्लॉयमेंट तो एज यूजुअल हर एक जितने भी सेंसिटिव जगह हैं डिप्लॉयमेंट किए गए थे, चाहे थाना स्तर हो, तहसील हो या जिला स्तर हो। हमने 2 जोन, 7 सेक्टर, 9 सब सेक्टर और 27 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई थी। सब लोग रात में भी और दिन में भी, रात में भी हमने सेक्टर स्तर पे और जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट है उसकी रात में भी ड्यूटी लगाई थी। सब लोगों ने मुस्तैदी से ड्यूटी की है। आम लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है, जिसमें जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं मौलाना मौलवी, उन लोगों ने भी बहुत सकारात्मक सहयोग दिया है। तो जिला प्रशासन की तरफ से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि अभी तक जनपद में शांति है और ये अपेक्षा करता हूँ कि आगे भी सहयोग जारी रहे ताकि जनपद में शांति व्यवस्था सुदृढ़ रहे। सर, इंटरनेट सेवा कब तक बहाल की जाएगी? सर, इंटरनेट की सेवा कल शाम, बीते कल शाम 5 बजे से कल सुबह, आने वाला कल सुबह 5 बजे तक बाधित की गई थी। उसमें प्रशासनिक कार्यों के दृष्टिगत आज शाम 5 से 7 बजे जो BSNL ब्रॉडबैंड है वो खोली जाएगी, बाकी समय में इंटरनेट बंद। सर, दंगे में कितनी क्षति हुई थी, इसकी पूर्ति के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, आप लोग को मालूम है कि एक गाड़ी और वायरलेस सेट सहित और कुछ अन्य छोटे मोटे सामान को क्षति पहुंचा था। उसमें 6.27 लाख जो हमने समिति बनाई थी उनके द्वारा मूल्यांकन कर लगभग 6.27 लाख, 6.25 लाख के आसपास का मूल्यांकन दिया।
किया गया है और उसकी वसूली के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर कुछ लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं? नहीं, इसमें जो हम लोग जब फील्ड में जाके सब लोगों से बात करते थे तो उनके द्वारा एक प्रपोजल आया कि कम्युनिटी इसमें कम्युनिटी कलेक्ट करके दे देगी, उसी राह पे हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि मुख्य बात है शांति व्यवस्था, अगर शांति से ही कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि जो क्षति हुई है वो हम दे देंगे तो उसका नियमानुसार वसूली की कार्रवाई